A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain the previous year question paper of 2017 of MTS examination, and it is set 12 today that I am going to explain. And the first question is on the screen. It is, a chain is only as strong as its weakest link. हमें इसमें एरर ढूंढना है. चर्चा एक चेन की हो रही है. एक चेन मात्र उतना ही मजबूत होता है जितना इसकी सबसे कमजोर कड़ी, यानी एज स्ट्रांग एज. तो इसमें तो कोई एरर है नहीं. इट्स वीकेस्ट लिंक में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, यानी सोलेसिज्म नहीं है. ए चेन इज ओनली, कोई एरर नहीं है. आंसर डी होगा, कहीं इसमें एरर नहीं है, इसलिए आंसर वन का डी होगा. क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने. She writes just not about external beauty but also internal well-being. She writes, वे लिखती हैं. अब आप यहां देखिए, लेखक but also का यूज कर रहे हैं. but also internal well-being, तो but also internal well-being यानी adjective plus noun है. तो पहले सी राइट्स, पूरा का पूरा फॉर्मेशन गलत है. ए में भी गलत है और बी में भी गलत है. हमें लिखना होगा सी राइट्स अबाउट, नॉट ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी. एक्सटर्नल ब्यूटी बट ऑल्सो इंटरनल वेल बीइंग, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड आइदर और नाइदर नॉर, ऑल दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड दे आर यूज्ड बिफोर द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, और यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम कर रहे हैं तो हमें अबाउट को यहां लाना पड़ रहा है, यानी बी में भी एरर है और ए में भी एरर है, क्योंकि ए का फॉर्मेशन भी गलत है. यानी प्रश्न के सेटिंग में गड़बड़ी है. ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो स्टूडेंट के साथ धोखा होगा, और दिया हुआ है यह पहले प्रश्न, यह आ चुका है. स्टूडेंट ए सेलेक्ट करें तो भी गलत हो सकता है, बी सेलेक्ट करें तो भी गलत हो सकता है, क्योंकि अगर सिलेक्शन में पहले से बी किया गया है तो ए वाले का गलत होगा, ए किया गया है तो बी वाले का गलत होगा. ये बोर्ड की गड़बड़ी है. क्वेश्चन नंबर थ्री. अर्पिताज हाउस इज नॉट डैश अवे, वी कैन रीच देयर विद इन 10 मिनट्स. अर्पिता का घर डैश अवे नहीं है, यानी क्या सेंस है कि बहुत दूर नहीं है. हम लोग वहां 10 मिनट्स में पहुंच सकते हैं. बहुत दूर नहीं है तो फार अवे होगा. फार अवे थ्री का आंसर बी. आप लोग मैसेज करते हैं कि बाएं लिखिए दाएं लिखिए, ढक जाता है. तो जब कोई लिखेगा तो थोड़ा तो ढकेगा ही, लिखने में जितना समय लगेगा उतना देर तो ढकेगा ही, चाहे हम उसको बाएं लिखें या हम उसको दाएं लिखें, थोड़ा सा ढकेगा ही. उतना तो उतना देर सुन करके आप समझें. आयुष इज डैश स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल नाउ. टू प्लस V1 है और उसके पहले है एजेक्टिव, यानी इतना छोटा है कि, तो टू स्मॉल टू यानी टू प्लस एजेक्टिव प्लस टू से नेगेटिव का बोध होता है, यानी आयुष अभी इतना छोटा है कि वह फुटबॉल खेलना शुरू नहीं कर सकता है. तो फोर का आंसर ए होगा. आप इस ट्रिक को याद कर लें, टी डबल ओ प्लस एजेक्टिव प्लस टू. क्वेश्चन नंबर फाइव. एनिहिलेट, हमें बताना है इसका सिमिलर वर्ड. एनिहिलेट, ए में रीस्टोर है, बी में क्रिएट है, सी में डिस्ट्रॉय और डी में स्टैब्लिश. एनिहिलेट मीन्स होता है सर्वनाश करना, विनाश करना, तहस नहस कर देना. सर्वनाश करना या विनाश करना. एनिहिलेट, रीस्टोर पूर्वावस्था में लाना, किसी भी चीज को
उसके पूर्व की अवस्था में ला देना रिस्टोर होता है, पूर्वावस्था में लाना, क्रिएट निर्मित करना या बनाना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, पिछले क्लास में डिस्ट्रॉय का और भी वर्ड मैंने आपको बताया था, स्टैब्लिश स्थापित करना, सेटअप इसका सिनोनिम होता है स्टैब्लिश का, स्थापित करना। तो एनिहिलेट सर्वनाश करना, विनाश करना, बर्बाद कर देना, तो सिनोनिम क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए फाइव का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शब्द है आपके सामने रेलिश, और रेलिश के लिए ए में डिटेस्ट है, बी में हेट है, सी में लोध है और डी में अडोर है। अब आप कमेंट करें, रेलिश मींस आनंद लेना, आनंद लेना, मजे लेना, आनंद लेना या मजे लेना, डिटेस्ट घृणा करना, और काफी घृणा को हम डिटेस्ट कहते हैं, हेट घृणा करना, लोद घृणा करना, अडोर पूजना, पूजना किसी आदमी को ईश्वर की तरह मानना, बहुत अधिक रेस्पेक्ट किसी को देना, अडोर कहलाता है, एकदम ईश्वर की तरह, भगवान की तरह किसी को पूजना। आई अडोर माई मदर, आई अडोर माई फादर, यानी भगवान की तरह मानता हूं, पूजता हूं, सम्मान देता हूं। तो रेलिश आनंद लेना, मजे लेना। अब ये बहुत ही अटपटा प्रश्न है, नहीं देना चाहिए था ऐसे ऑप्शंस यहां दिए गए हैं। ये तीनों आपस में सिनोनिम है, आप याद कर लेंगे, हेट डिटेस्ट लूड, ये सिनोनिम होते हैं। अब यहां पर एक ही है अडोर, मजबूरी में आंसर डी देना होगा, बट मैं कहूंगा यहां कोई इसका आंसर नहीं है। रेलिश का सिनोनिम होता है एंजॉय, एंजॉय यहां है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्ड है कॉन्डेम, इसका इसके लिए ऑप्शंस हैं प्राइड, पनिश, पार्डोन और पमीट। कॉन्डेम शब्द दो अर्थों में यूज होता है, एक होता है सजा देना या सजा मुकर्रर करना, सजा निर्धारित करना, और दूसरा अर्थ शिकायत करना या आलोचना करना, शिकायत करना या आलोचना करना। तो सजा देने के अर्थ में इसका सिनोनिम पनिश होता है, और पनिश से भी बढ़िया वर्ड सेंटेंस होगा। कोर्ट के द्वारा जब सजा निश्चित कर दी जाती है, तो सजा सुना दी जाती है, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। शिकायत करना या आलोचना करना के लिए आप यूज करेंगे क्रिटिसाइज, डैम, डिप्रेकेट, डिप्रेकेट। प्राइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गर्व और अहंकार दोनों इसका अर्थ होता है। पनिश सजा देना, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है, पनिश सजा देना। पार्डोन क्षमा करना, पार्डोन क्षमा करना, और पमीट अनुमति देना, अनुमति देना, इसका सिनोनिम अलाउ होता है और लेट भी होता है, लेट मींस भी होता है अनुमति देना। प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट प्रिवेंट इसका एंटोनिम हो जाता है पमीट का। तो यहां हम क्या दें, हमें सिमिलर वर्ड ही देना है, सजा देना, इसलिए हम आंसर देंगे सेवन का बी। क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने इमेंस, और यहां ध्यान दें अपोजिट वर्ड। बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं तो सिनोनिम ही करते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन बदल गया है, अब अपोजिट वर्ड देना है। शब्द है इमेंस, इमेंस का अर्थ होता है बहुत बड़ा या बहुत अधिक,
इमेंस लव, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा प्यार. तो इमेंस, वास्ट मीन्स विशाल, इमेंस वास्ट एडजेक्टिव होते हैं. सुपर उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया. इनफाइनाइट अनंत, और टाइनी छोटा. बहुत से विद्यार्थी इसे टीनी पढ़ते हैं, टीनी ना पढ़ें, इट इज टाइनी, टाइनी. तो इमेंस के लिए आपको अपोजिट वर्ड बताना है, बहुत बड़ा. तो इसमें छोटा का वर्ड क्या है, टाइनी है, इसलिए आंसर 8 का डी होगा. क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है एमिकेबल और आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड. जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग. एमिकेबल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मित्रवत. एमिकेबल मित्रवत, बहुत ही प्यार से अगर कोई चीज हो जाए, बिना किसी परेशानी के कोई मसला सॉल्व हो जाए, तो वहां भी हम एमिकेबली का यूज करते हैं. द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड एमिकेबली, मित्रवत ढंग से विवाद को सुलझा दिया गया. तो एमिकेबल से ही एमिकेबली एडवर्ब बनता है, मित्रवत, पोलाइट, विनम्र. हॉस्टाइल शत्रुवत, आप महसूस करेंगे इस चीज को कि अभी इतने ही सेट्स हुए हैं, सेट 12 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और शब्दों का कितना आपको रिपीटिशन मिल रहा है. इससे स्पष्ट है कि अगर आप बहुत सारे सेट्स ऐसे कर लें तो जो पूछा जाएगा वो आपको निश्चित तौर पर याद होगा. काइंड दयालु, इसका सिनोनिम आप लोग कॉमेंट कर दें. काइंड दयालु, इसका सिनोनिम आप कॉमेंट कर दें. कोजी, आरामदायक. तो एमिकेबल का एंटोनिम देना है, इसलिए हॉस्टाइल होगा. हॉस्टाइल, इनिमिकल सिनोनिम होते हैं. और मैंने आपसे कहा काइंड का, काइंड दयालु, इसका आप कमेंट करें सिनोनिम काइंड का. कंपैशनेट होता है और क्लीमेंट होता है. क्लीमेंट दयालु, मर्सीफुल होता है. मर्सीफुल दयावान, दयालु. तो आंसर 9 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 10, शब्द है अलायंस. आप इसका रूट वर्ड बता दें कमेंट करके कि अलायंस किस शब्द से बना हुआ है. आप इसका रूट वर्ड कमेंट करके बता दें. यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अलायंस. जल्दी कमेंट करें. पैक्ट मीन्स समझौता, क्योंकि मीनिंग बता दूंगा पहले तो आपके लिए आसान हो जाएगा कमेंट करना. सपोर्ट सहारा या मदद, समर्थन. सपोर्ट. टाई, टाई मीन्स बांधना होता है और टाई मीन्स गांठ भी होता है. सिफारिशन अलगाव, और अलायंस मीन्स गठबंधन, गठबंधन. तो गठबंधन का आंसर यहां ए होगा. अब मैंने आपसे प्रश्न किया था कि रूट वर्ड आप बता दें अलायंस का, तो यह अलाई रूट वर्ड से बना है. इसका रूट वर्ड होता है अलाई, अलाई से अलायंस बन जाता है. 10 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने. कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इस इडियम का आप मीनिंग बताएं. इडियम आपके सामने है कीप एट. अब यहां पर वन रहता तो और सुंदर होता, कीप वन एट एन आर्म्स लेंथ. ये इडियम ऐसे होता है. अच्छा, एन है यहां, एन है यहां. तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इसका अर्थ होता है दूरी बनाए रखना या दूरी बनाना. टू बी एट डिस्टेंस विद समवन, टू डिस्टर्ब अदर्स अलॉन्ग डिस्टेंस टू फ्लाई हाई. तो टू बी एट डिस्टेंस विद समवन यानी किसी से दूरी बनाए रखना, बहुत अधिक नजदीकी.
ठीक नहीं होती है। एक लेवल होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। और इस तरह के जो रिश्ते होते हैं जिनमें एक डिस्टेंस होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो बहुत दिनों तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। और जिनमें बहुत घनिष्ठता हो जाती है वो रिश्ते जल्दी समाप्त होते हैं। 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट बहुत ही चर्चित इडियम, स्मेल अ रैट। इट मीन्स दाल में काला होना, दाल में काला होना, यानी संदेह होना। कमेंट करके बता दें कि आंसर क्या होगा। ए वेरी फाउल स्मेल, फाउल स्मेल यानी दुर्गंध। स्मेल ऑफ ए डेड रैट, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग और एंटरिंग अ डर्टी प्लेस। आंसर सी होगा, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सी लेफ्ट बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट। बिफोर से जुड़ा हुआ है और इसका ट्रिक, जब भी बिफोर पास्ट टेंस के दो क्लॉज को जोड़ रहा हो तब हमें क्या मेंटेन करना होता है। बिफोर के पहले आप यूज करें हैड प्लस V3 का और इसके बाद में आप यूज कर लें V2 का। बिफोर के पहले हैड प्लस V3 का और बिफोर के बाद में V2 का, यानी यहां आप देखिए V2 लगा हुआ है तो यहां हमें हैड प्लस V3 चाहिए, यानी शी हैड लेफ्ट होगा, शी हैड लेफ्ट। और 13 का आंसर ए होगा। सभी ट्रिक्स को आप याद करें, काफी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, 7 years ago today, इसका अर्थ हुआ आज से 7 वर्ष पहले। 7 years ago today, I was survived, यानी दिन वो आज ही का है जब मैं सर्वाइव हुआ था थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। आई वॉज सर्वाइव्ड, सर्वाइव बचना होता है, पुनः जीवन को प्राप्त कर लेना सर्वाइव होता है। तो आज से 7 वर्ष पहले की बात है। आई वॉज सर्वाइव्ड, अब सर्वाइव पैसिव में नहीं लिखा जाता, यह एक्टिव में ही लिखा जाता है, इसलिए आंसर बी होगा, आई सर्वाइव्ड, यानी मुझे पुनः एक जीवनदान मुझे मिला था आज ही के दिन, 7 वर्ष पहले की बात है। तो आई सर्वाइव्ड होगा आंसर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, वह जो किसी देश में रह रहा है जहां का वह निवासी नहीं है, क्या कहेंगे इसको। ए में एलियन है, बी में अथेइस्ट है, सी में ऑटोक्रैट है और डी में अर्सेनल है। तो एलियन मीन्स होता है विदेशी, यानी दूसरे देश का, इसे हम परग्रही भी कहते हैं, यानी दूसरे ग्रह का। अथेइस्ट मीन्स होता है नास्तिक, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथेइस्ट। और एक बार आप कमेंट कर दें कि वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्या कहते हैं। वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट किया जाए। ऑटोक्रैट, ऑटोक्रैट एक शासक, अर्सेनल शस्त्रागार। ऑटोक्रैट को हम निरंकुश भी कहते हैं, वह शासक जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, जो स्वयं ही निर्णय ले सभी मामलों में, वह ऑटोक्रैट कहलाता है। जो स्वयं सत्ता को कंडक्ट करता हो किसी से, अपने मंत्रियों से और जो भी दरबारी हो उनसे विमर्श ना करता हो, उसे ऑटोक्रैट कहते हैं। ऑटोक्रेसी आपने सुना होगा, ऑटोक्रेटिक आपने सुना होगा, सब ऑटोक्रेट से ही बनते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। और मैंने आपसे प्रश्न किया था कि वह जो ईश्वरीय अस्तित्व पर संदेह करे उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करे उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। 16, a letter or a document which doesn't bear the name of its writer,
वह लेटर या वह दस्तावेज जो लेखक के नाम को धारण नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? ए में बूचर है, बूचर मीन्स होता है कसाई यानी जो मवेशियों को काटता है। एनोनिमस मीन्स गुमनाम होता है। होमोजेनियस स्वजातीय यानी सेम जाति का, ऑफ द सेम जीन्स। और कैलकुलस, कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एज यू स्टडी इट इन योर सिलेबस, सो कैलकुलस यू नो इट वेरी वेल। 16 का आंसर एनोनिमस होगा, गुमनाम, जिस पर कोई नाम ना हो वह एनोनिमस कहलाता है। 17 में एग्जाम्पल का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज कर लेना है। एग्जाम्पल आंसर सी होगा, एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण होता है, इसे हम पैरागन भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर होता है। पैरागॉन मीन्स होता है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। अच्छा, आप बहुत जगह फॉर एग्जाम्पल के लिए ईजी देखते हैं, एक बार कमेंट करके बता दें कि ईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत जगह फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ईजी मिल जाता है, आप इसका फुल फॉर्म बता दें, ईजी फॉर एग्जाम्पल क्या इसका फुल फॉर्म होगा। तब तक मैं 18 आपको बता दूं, शब्द है रिसीव, रिसीव, डिसीव, कॉन्सीव। अब इधर देखें, बिलीव, रिलीव, इधर परसीव, रिसीव, डिसीव, कॉन्सीव, परसीव, बिलीव, रिलीव, बिलीव, रिलीफ, चीफ। अब एक बात पर गौर करेंगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं कि कहीं ई के उच्चारण में ई आई हो जाता है तो कहीं आई ई हो जाता है, कहां हम ई आई का यूज करें और कहां हम आई ई का यूज करें। बहुत सुंदर टेक्निक आपके सामने रख दिया हूं, जब सी हो तब आप ई आई का यूज करें, सी को छोड़कर अन्य लेटर्स हो तब आप आई ई का यूज करें। सामने देख लीजिए, आई ई, आई ई, आई ई, आई ई, आई ई, अन्य लेटर्स हो तो आई ई, और सी हो पहले तो ई आई का आप यूज करें, सी हो तो आप ई आई का यूज करें, अन्य लेटर्स हो तो आई ई का यूज करें। अब आ जाए यहां रिसीव, तो मैं लिख चुका हूं, आंसर होगा डी। और अब इस प्रश्न में आ जाएं, ईजी यह एक लैटिन फ्रेज है, बहुत सारे लैटिन के फ्रेज हमारे इंग्लिश में पॉपुलर हैं, खूब यूज होते हैं। यह लैटिन फ्रेज है एग्जाम्पली ग्रेशिया, और इसका अर्थ होता है उदाहरणार्थ। बोलचाल में लोग फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं, ईजी से कैसे होगा फॉर एग्जाम्पल, वो मीनिंग है उसका, इंग्लिश मीनिंग, उस लैटिन का इंग्लिश मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल, और लैटिन ये है एग्जाम्पली ग्रेशिया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, और अरेंजमेंट से प्रश्न है, जल्दी बना लें। अपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या क्या हो सकता है? अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, या जेरंड आएगा, तो जेरंड भी नाउन ही है, इसे वर्बल नाउन कहा जाता है, जेरंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यानी नाउन चाहिए, तो द एम्फायर्स, अब हीज नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस और हीज ये एक साथ दोनों यूज नहीं हो सकते, यानी स्पष्ट है कि हमें आर से शुरू करना है, आर से शुरू करना है, तो ये दो ऑप्शन गायब हो गए, बस अब दो बचे हुए हैं, द एम्परर्स ब्रदर, अच्छा केवल ब्रदर नहीं है, ब्रदर इन लॉ है, द एम्परर्स ब्रदर इन लॉ वाज ऑल्सो, एम्परर का जो ब्रदर इन लॉ था, आप देखिए यहां एंड है और इसमें नहीं, यानी पहले ये होगा, वाज ऑल्सो हिज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट कौटियर, राजा का साला, अब जीजा भी हो सकता है, उसका प्राइम मिनिस्टर भी था और पसंदीदा दरबारी भी था, यानी
आर पी क्यू आंसर होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इंडियाज न्यूक्लियर एम्बिशन हैड बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द बोन ऑफ कंटेंशन। हैड बीन के बाद क्या क्या हो सकता है? हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन के बाद या तो वर्ब थ्री आएगा, या कोई नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, अन्य कुछ भी नहीं आ सकता। इंडियाज न्यूक्लियर एम्बिशन हैड बीन, पी से तो शुरू होगा, इंडियाज न्यूक्लियर एम्बिशन हैड बीन द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मीनिंग बताएंगे बोन ऑफ कंटेंशन का, ये भी पूछा जाता है। तो आंसर होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू डी में दिया हुआ है, पी आर क्यू डी में दिया हुआ है। द बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ होता है विवाद का जड़, इसी को हम एपल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। विवाद का जड़, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21-25 में क्लोज पैसेज है और प्रत्येक ब्लैंक के लिए चार ऑप्शंस हैं, आप पढ़ें। रोड सेफ्टी इज अ सेफ्टी मेजर, मेजर का अर्थ यहां पर क्या हो रहा है कमेंट करके बताएंगे। रोड सेफ्टी इज ए सेफ्टी मेजर टू डैश द रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड रोड साइड इंजरी बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ पीपल वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। सड़क सुरक्षा, सुरक्षा का एक कदम है, एक स्टेप है, मेजर मींस कदम भी होता है और यहां मेजर का अर्थ कदम ही है, इसलिए सिनोनिम इसका स्टेप होगा। सड़क सुरक्षा, सुरक्षा का एक कदम है जो रोड एक्सीडेंट्स और रोड साइड इंजरी के रिस्क को डैश करता है, के रिस्क को एलिमिनेट करता है, प्रमोट करता है, रिड्यूस करता है और रिडक्शन करता है। तो टू के बाद वर्ब वन चाहिए, इसलिए रिडक्शन तो नहीं होगा। एलिमिनेट मींस दूर कर देना होता है, समाप्त कर देना होता है, हटा देना होता है। आप कितने भी रूल्स बना लें, दुर्घटनाएं होंगी। यानी यदि आप बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर देते हैं तो उनमें रिडक्शन आएगा, उनमें कमी आएंगी। कुछ दुर्घटनाएं प्योर एक्सीडेंट्स होती हैं, वो हो ही जाती हैं, यानी रिड्यूस होगा। रिड्यूस मीन्स होता है घटना, कम होना। लेसन इसका सिनोनिम होगा, डिमिनिश इसका सिनोनिम होगा, और एलिमिनेट मीन्स हटाना, दूर करना होता है। इसका सिनोनिम आप कमेंट करके बता दें, हटाना और दूर करना का। प्रमोट मीन्स तो होता है बढ़ावा देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा एनकरेज। प्रमोट का सिनोनिम हो जाता है एनकरेज। तो एलिमिनेट के लिए आप यूज करेंगे इरेडिकेट, इरेडिकेट एलिमिनेट दूर करना, हटाना। तो आंसर रिड्यूस होगा अगर ये कुछ मेजर्स अप्लाई कर दिए गए सुरक्षा के, तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ पीपल वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, जो दुर्घटनाएं सड़क पर ड्राइव करने के दौरान लोगों के डैश के कारण होती हैं, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, लोगों के डैश के कारण, लोगों के मिस्टेक्स के कारण, लोगों के डेयरिंग के कारण, लोगों के मिसकैलकुलेशन के कारण और लोगों के मिस अप्रोप्रिएशन। वेरी गुड वर्ड, डी में मिस अप्रोप्रिएशन है, इसका सिनोनिम बताएं आप लोग जल्दी से। लोगों के मिस्टेक्स के कारण 22 का आंसर ए होगा, यानी लोगों की गलतियों के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आ जाएंगी। डेयरिंग मीन्स साहस होता है, हिम्मत होता है, और मिसकैलकुलेशन मीन्स गलत गणना होगा, मिसकैलकुलेशन गलत गणना,
और शब्द है आपके सामने मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है गबन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है इसका सिनोनिम होता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट और साइफोनिंग ऑफ, एम्बेजलमेंट और साइफोनिंग ऑफ गबन। तो 22 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हुए वी कैन नॉट काउंट द डेली रोड साइड डैश एंड डेथ ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स। अब देखिए यह मिस्टेक्स बता रहा है कि आपको यहां पर मिस्टेक्स ही भरना था, क्योंकि यहां ठीक वही चर्चा की गई है, वहां मिस्टेक्स ही भरना था। यह मिस्टेक हेल्प कर रहा है। वी कैन नॉट काउंट, हम गणना नहीं कर सकते डेली रोड साइड डैश को। अब ऊपर चर्चा किसकी की गई है, रोड साइड इंजुरी की गई है, रोड साइड एक्सीडेंट्स की गई है, तो यहां पर एक्सीडेंट्स होना चाहिए, आंसर में दिया हुआ है। अब आगे पढ़ लें, यहां डेथ्स भी दिया हुआ है, आगे पढ़ लें। एंड डैश ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोअर्स, एवरी पर्सन गोइंग ऑन द रोड हैज ए डैश ऑफ इंजुरी और डेथ सच एज पेडेस्ट्रियंस, मोटरिस्ट्स, साइकिलिस्ट्स। अब सब प्लुरल है ना, तो साइकिलिस्ट्स होना चाहिए, पैसेंजर्स इटीसी। तो यहां बेहतर एक्सीडेंट्स ही होगा, एक्सीडेंट्स ही होगा। वी कैन नॉट काउंट द डेली रोड साइड एक्सीडेंट्स, जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते कितने होते हैं, क्योंकि यहां डेथ का वर्णन कर दिया गया है। तो जब डेथ का वर्णन कर दिया गया है तो फिर यहां डेथ्स नहीं देंगे, इसलिए एक्सीडेंट्स। एंड डेथ ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स, ड्राइविंग मिस्टेक्स के कारण जो घटनाएं घटती हैं उसमें जो लोगों की जाने जाती हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ट्रैफिक रूल्स फॉलोअर्स एंड डैश ऑफ रोड 24 में अब आ जाए तब बनेगा 24। यहां क्या फील किया जाए, बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स एंड डैश ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स डेथ्स ऑफ एंटिक्स ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून्स ऑफ। बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग मिस्टेक्स एंड डेथ्स ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स, मेरे को सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। एवरी पर्सन गोइंग ऑन द रोड हैज ए डैश ऑफ इंजुरी 25 में। ओ ये देखिए ये क्या है भाई, 24 दो दो जगह, 23 दो दो जगह हुआ है, ये मिस्टेक है। कह रहा हूं कि सारे ऑप्शन गलत कैसे हो रहे हैं। यहां देखिए एंड डैश ऑफ रोड ट्रैफिक रूल्स, रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलोअर्स जो हैं, सड़क पर लोग चलते तो हैं लेकिन यातायात के नियमों को फॉलो करने वाले लोगों की कमी है, लैक ऑफ की कमी है। स्कार्स तो मात्रा को बताता है और यहां बताना है संख्या, इसलिए लैक का यूज करें, लैक है, लैक ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्रैफिक रूल्स के, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। तो 24 में लैक चाहिए। 25 में एवरी पर्सन गोइंग ऑन द रोड हैज ए डैश ऑफ इंजुरी और डेथ, कोई भी आदमी जो सड़क पर जाता है चाहे वह पेडेस्ट्रियन हो, पदयात्री हो, चाहे वो मोटरिस्ट हो, मोटर कार वाला हो, बाइक वाला हो, साइकिलिस्ट हो और पैसेंजर्स हो, जो भी हो, उन्हें डैश रहता है, वे जब घर से निकलते हैं तो एक डर बना रहता है उन्हें इंजुरी होने का, डेथ होने का। तो क्या ये होप है? नहीं। कौन उम्मीद करके बैठा है कि जाऊंगा तो आज मेरी मृत्यु होगी, बहुत बढ़िया। आई मीन टू से होप इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस और इन अ पॉजिटिव वे, एंड यहां जो सेंस आपके सामने है यह पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आप होप को नहीं फील कर सकते। विश भी कोई नहीं करेगा ऐसा,
ऐसी विल भी किसी की नहीं होगी, ये रिस्क है। जब कोई निकलता है तो उसे रिस्क बना रहता है कि कोई इंजरी ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। इतने कम से कम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं कि इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं। तो MTS सेट 12 कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने अगले वीडियो में सेट 13 मैं लेकर के आऊँगा। और ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।